सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू सोलो बोनस चैलेंज मैच। और गाइस फिर से स्वागत कर दूँ आपके ये थ्री वॉचर सोलो बोनस चैलेंज मैच। और भाई शेल्टर में दो बंदे आए हैं और दोनों भाई इकट्ठे खेल रहे हैं, मतलब टीम अप वाले टट्टे हैं यहाँ पे। तो देखते रहने का इन दोनों कैसे मारता हूँ। बट पहले करते हैं भाई कमेंट का रिव्यू। पिछले कमेंट में आया था कि कौन सा वीपीएन यूज़ करता हूँ, ये है भाई। ये फ्री नहीं है, इसमें भाई ऐड देखने पड़ते हैं, मतलब दो घंटे यूज़ करने के लिए मुझे तीन ऐड देखने पड़ते हैं, उसके बाद मुझे दो घंटे फ्री मिलता है, उसके अंदर खेलता हूँ मैं। तो दो घंटे के बाद खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो दो घंटे के अंदर आपको भाई एक अच्छा गेम प्ले निकालना पड़ता है, जो भाई आपको मैं दिखा सकूं, जैसे ये है। तो भाई दो बंदे आए, मेरे को लगा कि भाई मस्त फ्लैंक मार रहा है बिल्कुल। ये देखो दोनों इकट्ठे दिखेंगे आपको, दिखा आपको। बट दोनों को डैमेज देता हूँ, बंदे कोई नहीं मरते यहाँ पे, और दोनों भाग जाते हैं यहाँ पे। आगे देखना एक बिल्कुल भाई ऐसा खतरनाक नेड दिखने का मिलेगा आपको, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल लंबा वाला नेड। यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे ऊपर है भाई एक मॉन्स्टर ट्रक, ठीक है। उसने मेरा फुट स्टेप सुन लिया है। उससे पहले मैं एक और बता दूँ भाई, एक और कमेंट का रिव्यू करने वाला हूँ थोड़ी देर में इस किल के बाद। तो एक किल बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाला है यहाँ पे, और वो बंदा भाई रुक चुका है यहाँ पे, और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे भाई नेड को मैंने खोला है यहाँ पे, और बूम भाई मज़ा आ गया ये भाई किल करके। पहला किल बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त बिल्कुल। बट मेरे को वेट करना होता है कि भाई, मेरे को लग रहा है कि भाई ये दो नहीं तीन बंदों का टीम अप है, और ये वाला भी बंदा शायद से टीम अप वाला ही है। तो मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ, उसके पहले हम करते हैं भाई दूसरा कमेंट का रिव्यू। तो ये भाई पूछते हैं कि भाई मेरा नाम, एज, जॉब वगैरह करता हूँ कि नहीं, और मैंने आईपैड कैसे लिया है। तो भाई बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है, मैं इसमें बस एक ही बात बताऊँगा। अभी मैं मतलब अपना एज वगैरह सब नहीं बता सकता यहाँ पे, कुछ नाम वगैरह भी नहीं। तो मैं आईपैड कैसे लिया, मैं आपको भाई बता सकता हूँ कि भाई एक साल पहले मैं गेम प्ले डालता था कि भाई 10K वॉन 10K वाला गेम प्ले टूर्नामेंट टाइप का, बहुत सारे गेम प्ले डाले थे। तो उसी टूर्नामेंट में भाई मैंने जीत के ये आईपैड खरीदा है, और प्लस मेरा एक दोस्त है उसका नाम स्नाइपी है, उसने भी मेरे को कुछ मदद की है यहाँ पे आईपैड खरीदने में। मेरा वैसे कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे को आईफोन लेने का था, बट आईपैड बहुत सस्ता मिल रहा था यार, तो इसलिए मैंने आईपैड लिया है। बट वो मेरा भाई वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न था यहाँ पे आईपैड लेने का, क्योंकि इसमें और भी काम कर लेता हूँ मैं। तो भाई बता दिया मैंने कमेंट का, अभी दूसरे कमेंट के ऊपर कर। आपको भी भाई कुछ पूछना हो कुछ, मेरे को जो कमेंट अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर रिव्यू करूँगा। और ये जो भी कमेंट है भाई मेरे पिछले गेम प्ले पे है, तो आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और भाई यहाँ पर देख रहे हो तो भाई यहाँ तक लाइक कर दो, लाइक का एम है बिल्कुल 50 लाइक। तो अभी करते हैं वापस गेम के अंदर, घुसते हैं यहाँ पे, तो आराम से मैं इसको लूट देता हूँ। और जो भाई दो बंदे थे टीम अप वाले ऊपर, वो निकल चुके हैं शायद से यहाँ पे, क्योंकि बहुत देर मैंने वेट कर लिया है, और मस्त लूट भी मिल चुका है यहाँ पे। बट एक भी भाई मेडकिट या फिर फर्स्ट एड नहीं मिलता है। और मैं बग्गी पे आता हूँ, क्योंकि भाई बग्गी बहुत अच्छा है बस इस लंबे मतलब हाई पिंग वाले मैच में। यहाँ पे दिखा रहा है 120, थोड़ा ठीक ठाक पिंग लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल जोन के एच पे आता हूँ यहाँ पे, मतलब जोन के अंदर आ चुका हूँ अगले। और यहाँ पे भाई मेरे को लगता है कि अपार्टमेंट में बंदे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। और भाई एक बंदा एक स्कूल के अंदर ही है, और भाई किल फील्ड में देख सकते हो एक बंदे ने अभी भी इस गन से मारा है, इस अपार्टमेंट वाले में है वो। और भाई स्कूल में भी एक बंदा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो एक नहीं दो दो बंदे हैं स्कूल प्लस अपार्टमेंट दोनों पे। तो दोनों को मैं कैसे निपटाऊंगा तो देखते रहने का यहाँ पे। और भाई यहाँ पे दिखता है कि मेरे को उन्होंने स्मोक कर लिया है गाड़ी के ऊपर, मतलब निकलने वाले जोन के अंदर। तभी बंदा दिखता है, ये बिल्कुल ही ओपन में इसको लपेट लिया यहाँ पे। और ये वही बंदा है अपार्टमेंट वाला, अभी भी स्कूल वाला बंदा बचा है। मेरे को लगता है कि भाई टीम वीम तो नहीं है, क्योंकि दोनों बंदे इकट्ठे एक ही जगह पे हैं जिनको मैं मारता हूँ। मैं स्कूल में चेक कर रहा हूँ, बट दिखता है बंदा यहाँ पे प्रोन है। ये देखो गाइस, मेरे को क्या लगता है मालूम है, ये बंदा शायद से मारने के लिए आया था, बट उसको तो मैंने ऑलरेडी मार दिया है। और भाई इसको भी लपेट लेता हूँ मैं। और भाई मेरे पे एक भी फर्स्ट एड नहीं है, मेरे को तो इनको लूटना है। बट मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि भाई स्कूल वाला बंदा है कहाँ यहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ी देर के बाद आता हूँ, जब जोन बन जाएगा, जोन के बाहर ये उनका गाड़ी हो जाएगा, उनका डब्बा हो जाएगा, तब तक शायद से बंदा निकल जाएगा स्कूल वाला। अब मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि भाई स्कूल में है कि नहीं, बट ये सब ट्रिक अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देख रहा कोई मोमेंट नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को पता चले कि हाँ भाई मेरे को एक फ्लेयर गन भी मिला था, तो उस फ्लेयर गन से मैं यहाँ पे भाई BRDM मंगा लूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास लेवल 3 ऑलरेडी है,
मेरे जो मनपसंद गन्स है वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए BRDM। तो मैं मतलब बिल्कुल यहाँ पे दुविधा में फंस जाता हूँ कि भाई मैं BRDM लूँ या फिर जाके उस बंदों का लूटूँ जिनको मेरे को फर्स्ट एड चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले BRDM मंगा लेता हूँ। अब मैं इनको छोड़ के तो जाके लूटने नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा आकर के मेरा BRDM चोरी कर सकता है। तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, कोई बंदा आएगा यहाँ पे मेरे को कॉम्पिटिशन देने BRDM के लिए। बिल्कुल फुल बूस्ट के साथ रेडी रहता हूँ, MO निकाल लेता हूँ कि भाई स्प्रे निकाल दूंगा यहाँ पे, और उसी में भाई लेट हो जाता हूँ। और ये है भाई वो वाला जोन, ये जोन टच होने के बाद जो भी खतरनाक डैमेज पड़ना है, तो इसलिए भाई मैं छोड़ता हूँ उसको, लूटने नहीं जाता, BRDM लेके मैं जोन में चले जाता हूँ। ये है छोटा सा जोन भाई, 24 बंदे इसमें अलाइव है। अब भाई मेरा जो प्लान है कि भाई अपना BRDM बिल्कुल सेफ रखने का है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई जो चर्च के पीछे वाला पहाड़ है बिल्कुल रिज, यहाँ पे बिल्कुल छुप के रहूँगा मैं, अपना BRDM सेफ रखूँगा। और यहाँ पे भाई थोड़ा सा गलत पार्क लगा लेता हूँ मैं, दूर से पड़ता है यहाँ पे, बट मेरे को एक बंदा चर्च के ऊपर दिखता है, बिल्कुल प्रोन मस्त बैठा हुआ है। और भाई जब इसको लपेटता हूँ भाई मेरे को होता है थर्ड पार्टी, बट बच जाता हूँ यहाँ पे 50 HP पे। और वहाँ पे देखो भाई दो BRDM मतलब भाई एक साथ रह रहे, बिल्कुल मस्त। और ये वेयर हाउस के अंदर ही बंदा है, बट मेरे पीक लेते लेते वही बंदा निकल पड़ता है कवर के अंदर। और भाई 14 बंदे अलाइव है, 4 किल हो चुके हैं, कितने टॉप पोजिशन पर आने वाला हूँ और कितने मेरे को पॉइंट मिलेंगे पूरा देखते रहने का। और ये भाई किल फील्ड पर एक बंदा मस्त अपना कौन सा गन चिपका रहा है भाई, ग्लेशियर M4 भाई, बहुत किल करता है वो बंदा। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि भाई उस बंदे को जाके मैं लूट सकता हूँ जो चर्च के ऊपर जिसको मैंने मारा, अपन को फर्स्ट एड भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि भाई चर्च बिल्कुल ही ओपन है, वो बंदा नूबड़ा था जो कि बिल्कुल इतने ओपन में बैठा हुआ था, तो अगर मैं भी वैसे प्रोन हो जाऊँ वहाँ पे तो कोई भी मेरे को मार सकता है। बट मैं एक स्मोक कर सकता हूँ, बट क्या है कि भाई मैं स्मोक करते हुए सीढ़ी पे चढ़ूंगा ना, तभी बंदे सारे मार देंगे, क्योंकि नीचे एक टावर में बंदा है, प्लस रोड के उस तरफ एक घर है टावर के पास ही, यहाँ पे जिस तरफ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैं स्मोक करूँगा उसी तरफ कोई भाई मेरे को मार सकता है। तो भाई मेरे पास है एक ही स्मोक, मेरे को यहाँ से कम 2 या 3 स्मोक करने थे सीढ़ियों पे नीचे, प्लस उसके डब्बे के ऊपर, और भाई ऊपर मस्त बैठ सकता हूँ, बट ऊपर मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई 13 बंदे छोटे से जोन में, देख सकते हो आप। और भाई यहाँ पे सामने पेड़ पे एक बंदा आता है यहाँ पे, और ये वही बंदा है जो शायद से अपना M4 चमका रहा था। यहाँ पे एक और स्मोक मिलता है, अभी जा सकता था मैं, बट अभी भाई बंदे आ चुके हैं, आपको पता ही होगा कहाँ पे, उस पेड़ के पास। इजी एंगल है भाई, इजी मार सकता है वो मेरे को। तो मैं अपने BRDM पे स्मोक करता हूँ, बंदे को लगी भाई BRDM के अंदर बैठा हूँ मैं, और मेरे को यहाँ पे लगता है कि भाई BRDM के अंदर सेफ रहेगा, क्योंकि कहीं से भी नेट आ सकता है इस टाइम पे। और मैं काफ़ी शोर मचा रहा हूँ, बोले तो काफ़ी फुट दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो BRDM जैसे बैठता हूँ जाके भाई ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता हूँ, जिससे कि भाई इस बंदे को पता चल जाता है जो पेड़ वाला है वो मेरे ऊपर करता है नेट, तो मैं थोड़ा आगे खिसक लेता हूँ कि BRDM को कम से कम डैमेज पड़े और मैं एंड तक ज़िंदा रह सकूँ। अभी भी भाई 8 बंदे हैं, और भाई सिर्फ ये टावर जोन के अंदर है, और मेरे अलावा एक और BRDM यहाँ पे। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं डब्बा लूट लूँ कि नहीं, कुछ फर्स्ट एड मिल जाए यहाँ पे। भाई एक भी फर्स्ट एड नहीं है, अगर आपने मेरे बैग के अंदर देखा होगा तो। भाई अभी सामने एक मतलब कुछ फनी सा सीन हो जाता है, यहाँ पे देखते रहो। और भाई BRDM पकड़ के मेरे को खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सीखने का। ये देखो मैं इसका वेट कर रहा था, ये मैं TPP ले रहा था कि भाई आएगा पुश करने, शॉटगन लेके मारूंगा, भाई अंदर घुस गया ये, और मैं गेट इन भी नहीं कर पा रहा, मतलब भाई BRDM के अंदर एक ही बंदा बैठ सकता है, तो मेरे को कुचल के ना मार दे, मैं अंदर घुस जाता हूँ।
और ये है ऊपर वाला बंदा जो अपना भाई चमकाया जा रहा है यहाँ पर M4 फिलफिल पे देख सकते हो भाई, बहुत बंदे मारता है वो। और यहाँ पे देखो भाई, मतलब मेरे को समझ नहीं आता मेरे को मॉली कैसे लग गया। अभी तो मैं बचा हुआ हूँ, देखो बिल्कुल यहाँ पे टच, ये देखो वैसे ही मेरे पे फर्स्ट एड नहीं है और यहाँ पे मॉली लग चुका है। और वो बंदा भाई नेट पे नेट किया जा रहा है, ये देखो भाई एक और नेट। तो यहाँ पे अगर मेरे पे फर्स्ट एड होता तो मैं फर्स्ट एड मार लेता यहाँ पे फटाक से। और तभी एक बंदा करता है ऊपर, जो मेरे बिल्डिंग के ऊपर था वो करता है पुश, मतलब भाई एक शॉटगन चिपका दिया था, बट एक ही गोली का था, मैं आपको पता होगा बिल्कुल 5-6 HP था। और ये भी बंदा उसको ऊपर वाले को मारता है जो अपना M4 चमकाया जा रहा था। और इस पर देख सकते हो भाई कितने पॉइंट मिले हैं मेरे को थर्ड पोजिशन पर, +4 kill के। तो बस इस मैच पर इतना ही था, लाइक का एम रखते हैं भाई 50 लाइक। और चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर देना, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट पर कर देना, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो पे